कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इधर वाक्य देखना आप, आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और इसमें टीच वर्ब हो गई और ये आपने क्या देखा कि मैं तुमको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले आ रहा यू, पहला ऑब्जेक्ट इसमें यू आ रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें इंग्लिश आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें क्या का जवाब भी आ रहा है और किसे का जवाब भी आ रहा है। जो किसे का जवाब वो पहले आ रहा है, जो किसे का जवाब है वो पहले आ रहा है, इसलिए यह कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, और ये जो बाद में आ रहा है यह कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक बात और समझें, या ये समझें कि किसी सेंटेंस के अंदर एक साथ दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो उस सेंटेंस की जो वर्ब होगी वह हिंदी में कहलाएगी द्विकर्मक क्रिया। अगर किसी वाक्य में एक साथ दो कर्म दिए हुए हैं तो ऐसी क्रिया को हिंदी में कहते हैं द्विकर्मक क्रिया, तथा अंग्रेजी में कहलाएगी वह डाई ट्रांजिटिव वर्ब, DI। डाई का मतलब द्वि, बाकी आ जाएगा वही ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जो अपने साथ में डबल ऑब्जेक्ट्स यानी डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को लेकर के जो क्रिया आती है, डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को अपने बाद में लेकर के जो क्रिया आती है, ऐसी क्रिया को हिंदी में द्विकर्मक क्रिया तथा अंग्रेजी में डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां तक की बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। और उसके बाद में आपको यह भी समझना चाहिए कि एक सेंटेंस जैसे मैंने ऊपर दिया कि आई राइट ए लेटर, ध्यान से सुनना, यह एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आई राइट ए लेटर वाले सेंटेंस में आपने देखा कि आई इसमें सब्जेक्ट